अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। यो आप सब गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू न्यू अनदर गेम प्ले वीडियो। मेरा नाम है कांचा चिन्हा, मैंने सबका सब कुछ छिना, मजाक कर रहा था, बट इस गेम प्ले में मजाक नहीं है। मतलब लास्ट सीन में जो मेरे पास एनिमी आ रहे थे और मेरा एमो भी खत्म होने को आया था, ये सब देखकर मेरा गला भी सूख गया था, ये सोचकर कि मैच बुआ होगा कि नहीं, बट वहाँ पर पूरा गेम चेंज हो गया। फिलहाल लेट्स गो, गेम स्टार्ट करते हैं। बट क्यों ना आज हम लोग 1v2 खेले, मजा आएगा, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, हम लोग आ चुके प्लेन के ऊपर। बाय द वे मैं सोच रहा हूँ बीमा शक्ति के ऊपर चले जाऊँ, क्योंकि बीमा शक्ति के ऊपर से ये प्लेन जा रहा है और जहाँ तक मुझे पता है बीमा शक्ति पे काफी सारे बंदे उतरते हैं। और आज मेरा मूड एकदम फ्रेश है, तो मैं सोच रहा हूँ रश करके खेलूं। फिलहाल मैंने अच्छे से लैंडिंग करने के लिए फाल्को तो ले लिया है, क्योंकि फाल्को हमें बहुत फास्ट लैंडिंग कराता है। और मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले उतर के गन वन लूट करके ऊपर में बंदों की छुट्टी कर दो, बट ऐसा सीन कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। अच्छा, बट लेट्स सी, आज देखते हैं क्या मैं बंदों को ऊपर में मार पाता हूँ। फिलहाल सामने वाले छत पे तो मुझे एक गन दिखाई दे रही है, ओहो स्नाइपर है, बट सामने एक और गन पड़ी है। बट कोई बंदा ऊपर में अभी भी उतर रहा है क्या? नहीं, आज भी मेरे साथ एक गंदा वाला सीन हो गया। बट मुझे राइट से बंदे की आवाज आ रही है, ये रहा। अबे भागता कहाँ है, रुक जा, तेरी नानी याद दिलाता हूँ। ये ले, अब बच गया, बट अब नहीं बचेगा तेरी, ये ले। मेरे आंखों के सामने से भागने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने उसकी लगा दी। अबे किसने मारा भाई? अच्छा सामने एनिमीज है, तेरी ऐसी की तेरी की बारा, ये ले भाई। से भी क्या गजब का हेड मारा लास्ट टाइम हो। बट इस बंदे ने भी मुझे अच्छा डैमेज दिया था, पर मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, सबको पता है। बट ये लोग अपना खाली प्लेट टाइम लॉस करने आ जाते हैं। भाई देवे मुझे अभी तक अच्छा खासा गन नहीं मिला, देखो M249 और P90 लेके घूम रहा हूँ, एंड मुझे एक बैकपैक की भी जरूरत है। भाई देवे मुझे अगर इधर एक दो और बंदे मिल जाते हैं तो मैं उन लोगों को मार के अच्छा खासा लूट कर सकते हो। बट इधर एक बार देख लेते बंदे है क्या, नहीं है यार। मुझे तो लगा था बीमा शक्ति पे काफी सारे बंदे उतरेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बंदे आए हैं लेकिन मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया, बट कोई बात नहीं, जितने उतरे हैं मैं उन सबको मारूंगा। बट सामने पीक की तरफ कोई अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा है, बहुत दूर है, अगर पास होता तो मैं चले जाता, बट सामने लड़ाई भी चल रही है। अगर यहाँ से एक दो बंदे दिख जाते हैं तो मैं पर से हेडशॉट मार दूंगा, मेरे पास स्नाइपर है। बट बंदे तो दिखाई नहीं दे रही, किसको मारूंगा। चलो यूएमपी मिल गई, मैं यूएमपी बहुत मस्त चलाता हूँ, अगर बंदे दिख जाते हैं ना यहीं पे तो हेड ही हेड मारूंगा। फिलहाल मैं सामने वाले घरों पे एक बार भी नहीं गया था, तो चेक कर लेता हूँ, अगर बंदे दिख जाए तो भाई उन लोगों को उनकी नानी याद दिला दूंगा। फिलहाल सामने की तरफ मुझे एक मेडिकिट दिखाई दे रही है, और मैं रस मार के खेल रहा तो मेडिकिट की काफी जरूरत पड़ेगी। बट मैंने इधर एक बार एनिमी की फायरिंग की आवाज आई थी, ये रहा, तेरी निकल यहाँ से। ओ ये नॉक डाउन नहीं हुआ, एक सेकंड भाई, मैंने तो इसे पूरा हेड मार दिया था, फिर भी पता नहीं ये कैसे बच गया। फिलहाल इसने मेरा काफी हेल्थ कम कर दिया है, अगर मुझे एक गोली और लग जाता तो मैं यहीं पे खत्म था, क्योंकि उसके पास M10 था शॉटगन। बट इसका दूसरा टीममेट भी आ सकता है, तो हम लोग फटाफट लूट कर लेते हैं। ओह ये बंदा अच्छा खासा लूट लेके घूम रहा था, फिर भी ये मर गया। बट हम एक और मैड यूज कर लेते हैं, क्या पता उसका दूसरा टीममेट के पास डबल बैरल हो। भाई दबे इसके पास से मुझे 7 ग्लोबल मिल गया, मुझे पता नहीं कि मेरे पास पहले से कितना ग्लोबल था, बट मैंने अभी देखा तो मेरे पास 7 ग्लोबल है। बट गाइस मुझे अभी यहाँ पे AK मिल चुका है, अभी आएगा गेम खेलने का असली मजा, क्योंकि AK में मेरा बहुत ही अच्छा हेडशॉट लगता है। बट एक सेकंड, यहाँ पे M4A1 लेवल 1 का चिप लगा हुआ पड़ा है, इसको कौन छोड़ेगा बाहर में जाए AK। अगर ये M4A1 3 लेवल का हो गया ना तो एकदम भयंकर मॉन्स्टर वाला चलेगा। बाय द वे M4A1 को जो लोग 3 लेवल करके यूज करते हैं उन्हीं लोगों को पता होगा कि ये M4A1 3 लेवल करने पर कितना मस्त चलता है। फिलहाल गाइस आप लोग एक बार देखो, मुझे लगता है कि यहाँ से सारे बंदे जा चुके हैं, एक मैं ही हूँ जो यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ। बट ये सामने वाला टावर को लूट के भी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि ना अभी तक मुझे यहाँ पे 2 लेवल का बैग नहीं मिला, ये एमओ वगैरह पड़ा है, मुझे एमओ भी चाहिए बट उठा नहीं सकता, मेरा बैग एकदम फुल हो गया है। और मुझे मेडिकेट भी चाहिए, मेरे पास मेडिकेट एकदम कम है। फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते आगे की तरफ। बट गाइस मैं इधर आ रहा था तो एक बंदा मेरे ऊपर स्नाइपिंग करके इधर ही भाग गया, तो मैंने भी उसका पीछा किया, पर पता नहीं वो बंदा अचानक कहाँ गायब हो गया। वो दिख गया मुझे, वो एनिमी यहीं पे भाग गया है सामने वाले घर पे। बट गाइस मैंने ना M4A1 छोड़ के वॉट पैकर उठा लिया, क्योंकि 2 दिन से मैंने काफी प्रैक्टिस किए ऑन टैप मारने की वॉट पैकर से। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी, ये लो देखा ना गाइस, इसको मैंने कैसे ऑन टैप मारा, मतलब 2-3 गोली ऐसे मिस हो गया बॉडी शॉट, बट लास्ट गोली एकदम मुंह पे जाके लगा। बट आप लोग उसे तुक्का मत समझना, मैंने 2 दिन से प्रैक्टिस किया है तभी ये जाके ऑन टैप लगा। बट मुझे यहाँ पे रिपेयर किट मिल गया तो मैं इसे यूज कर लेता हूँ, मेरा वेस्ट अपग्रेड होकर 4 लेवल हो जाएगा, तब मुझे उतना डर
डर नहीं लगेगा क्योंकि बंदे का डैमेज मेरे ऊपर काफ़ी कम लगेगा और मैं रश करके भी खेल रहा हूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए 4 लेवल का वेस्ट। बाय द वे अगर ये रिपेयर किट किसी को भी फ्री में मिल जाए तो वो छोड़ेगा नहीं, इसे यूज़ ही करेगा क्योंकि सबको पता है फ्री का चीज़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिलहाल सामने से जोन आ रहा है तो आई थिंक हो सकता है कुछ बंदे जोन से बाहर निकल के ज़रूर आएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि मुझे बैग भी चाहिए, मेरे पास बैग भी नहीं है। एक सेकंड, इधर एनिमी है क्या? नहीं, बॉक्स पर है। मुझे लगा कि एनिमी आ रहा है वहाँ से। फिलहाल मैं यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ, नहीं तो क्या पता कुछ बंदे ऊपर वेट कर रहे हैं कि जोन से कोई भी आएगा उसे मारेंगे फिर मुझे ही ना पेल दे। बट इधर से गाड़ी की आवाज आ रही है, वो रहा भाग गया। जाने देते, उसका लक अच्छा था जो भाग गया, नहीं तो मेरे हाथों मरा जाता वो आज। फिलहाल और 16 बंदे अलाइव है, मुझे ध्यान से खेलना होगा, मुझे इस मैच में कैसे भी करके बुया लेना ही है। बट एक चीज शायद अभी तक आप लोगों को याद है, मैं पहले से ही लेवल 1 का बैग लेकर घूम रहा था और अभी भी लेवल 1 का बैग लेकर ही घूम रहा हूँ। लास्ट जोन तक आ गया बट अभी तक मुझे बैग ही नहीं मिला। फिलहाल मैं ना इस घर को एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ, क्या पता इस घर में से हमें एक बैग मिल जाए। बट अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, सामने की और जो घर है उस घर में चले जाएंगे। बट मुझे लगता है कि अब हमें सामने वाले घरों पे जाना ही चाहिए क्योंकि ये इतने बड़े घर पे बैग तो छोड़ो, कोई अच्छा सा लूट भी नहीं मिला, ये बस घर के नाम पे कलंक है। बट एक सेकंड, सामने बंदा है, इसकी भैंस की निकल। भाई साहब, वॉट पैकर की गोली डायरेक्ट जाके उसके मुंह पे लगा, पर उसने भी मुझे काफी सारा डैमेज दे दिया है। तो यहाँ पर बैठ कर हील कर लेता हूँ। बट सामने से गाड़ियों की आवाज आ रही है, आई थिंक वही गाड़ी वाला है जो हमने पहले उसे छोड़ दिया था। बट अभी अगर आ गया ना तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तब तक मैं इस क्रेट को लूट लेता हूँ, अगर इसके पास से भी कुछ अच्छा खासा लूट नहीं मिला ना तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। लेकिन एक सेकेंड, इसके पास तो काफी अच्छा खासा लूट है, मुझे जो चाहिए था इसके पास से वो सब मिल गया। ग्लोबल बैग, एमओ वगैरह सब कुछ मिल गया मुझे। बट राइट साइड से काफ़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है तो आई थिंक हमें वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास लूट वगैरह सब कुछ आ चुका है और वैसे भी मैं रेस करके गेम प्ले कर रहा हूँ तो हमें जाना ही चाहिए। बट मुझे बंदे की गुलवल दिख चुकी है, अगर बंदे दिख जाए तो मैं उसके नानी याद दिला दूंगा यहीं पे। ओ भाई, आते ही एक को हेडशॉट मार दिया, क्या बात है। पर यहाँ पे और भी बंदे हैं, उन लोगों को भी अपनी नानी याद दिलाना है। पर ये लोग बाहर नहीं निकल रहा, मुझे ही रश करना पड़ेगा। पर एक सेकंड, यहाँ पर सामने किसका नॉक पड़ा है। ओ भाई, मैंने किसी का किल चुरा लिया। बट एक बंदा भागने की कोशिश कर रहा है, ये ले। ऑल राइट गाइस, आई थिंक हमने यहाँ का सारा एनिमीज फिनिश कर दिया है। बट जिसका मैंने किल चुराया था ना, वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि हो सकता है बेचारे ने बड़ी मेहनत से किल निकाला था बट उसे भी हमने चुरा लिया। वही इधर और एक बंदा है, तेरी मेरे से पंगा लेने आया था, सब क्या आज अपनी नानी याद दिला दी। बट हमने यहाँ से काफी सारा लूट मिल चुका है, आप लोग सिर्फ एक बार देखो मैंने कितने सारा ग्लोवल इकट्ठा कर लिया, 16। पर एक सेकंड, पीछे से कौन मारे? अबे नहीं नहीं नहीं, मैं मारा। अरे भाई, चारों ओर से मुझे मार रहा है। बट इस लड़की के पास शॉर्ट गन है, सबसे पहले हमें इसे खत्म करना होगा नहीं तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। अरे भैया, पैक बना दी इसने। नहीं नहीं नहीं, ये बाहर आ गया, तेरी तो। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है तेरी, रुक जा। तो ये ले, मेरे सामने कोई शॉटगन वॉटगन नहीं चलेगा, तुम लोग ये सब लेकर घर पे जाओ। बट ऊपर और एक एनिमी से, ये रहा तेरी तो, मुझे पिस्टल से डरा रहा था, क्या ही हेड मारा इसको। अब तो ऐसा पूरा मैच सिर के बल लेटे रहे क्योंकि तेरी जिंदगी झंडे, मुझे पिस्टल से डरा रहा था। बट एक सेकेंड, इसके चक्कर में तो भूल ही गया मेरी यूएमपी में एमो नहीं है और जोन के अंदर एमो लेने जा भी नहीं सकता। एंड देखो, अभी सिर्फ 3 बंदे अलाइव है, अगर तीनों के साथ क्लोज रेंज में तगड़ी वाली फाइट हो जाती है तो पक्का मैं मर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास यूएमपी में एमो नहीं है और मेरे पास सिर्फ यही एक अच्छा सा शॉर्ट रेंज का गन है। बाकी तो मैं वाट पैकर से भी काम चला सकता था लेकिन अभी शॉर्ट रेंज तक आ गया है और शॉर्ट रेंज में वाट पैकर में उतना अच्छा चला नहीं पाऊंगा। बट देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो 2 बंदे एक टीम के हो गए और एक बंदे अलग होगा क्योंकि मैंने डुओ वर्सेस 1 स्टार्ट किया था, यानी अगर एक बंदा हमें अकेले मिल जाता है तो हम उसे जरूर मार सकते हैं। बट नीचे चलते जोन के अंदर, लेट्स गो, हमें कॉबर के साथ जाना पड़ेगा। मैं तो फुल कॉबर लूंगा, यहाँ पे इस पेड़ के पीछे चला जाता हूँ, हो सकता है यहाँ से कुछ एक बंदे दिख जाए तो मैं उसको मार दूंगा। पर लास्ट जोन भी स्टार्ट हो चुका है, अब सभी बंदे दिख जाने वाले हैं और तगड़ा फाइट भी होने वाला है 1v3। मैं तो फुल तैयार हूँ, बाकी आप लोग। ओ एक सेकंड, सामने एक बंदा दिख चुका है, इसको फुल लॉबी में भेजेंगे। अबे रुक जा, भागता कहाँ है ये ले। अब जस्ट और 2 एनिमीज बचे हुए है, फिलहाल मैं ना उसको एक बार लूट लेता हूँ। उन 2 एनिमी से
फाइट करने के लिए हमें यूएमपी की एमओ वगैरह चाहिए। बाकी इसने भी बहुत सारे ग्लोबल इकट्ठा करके रखा था, बट मुझे देखकर घबरा गया और ग्लोबल यूज नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्रो प्लेयर हूँ, मेरे सामने सब चाय कम पानी है। बट अभी जो मुझे ये गेम शांत सा लग रहा है ना, मुझे आने वाली तबाही का महसूस करा रहा है। भाई गेम में इतना भी शांत नहीं होना चाहिए, मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। बट ये बंदे भी ना पता नहीं कहाँ छुप गए, एक बार मेरी नजर में आ जाए मैं इन लोगों का तंबू बना दूंगा। एक सेकंड दिख भी गया, रुक जा तेरी, अब तुझे भागने नहीं दूंगा। दोनों में से किसी को तेज को मारूंगा। ये लोग एक को नॉकडाउन कर दिया, इसको पूरा फिनिश कर देते हैं, रिवाइव होने का कोई चांस ही नहीं देंगे। बट दूसरा बंदा कहाँ छिप गया? अच्छा चलो उसे छिपने देते हैं क्योंकि उसे पता नहीं कि अब वो मरने वाला है। बाकी ना गाइस मैं यहाँ पर एक दो ग्लोवल लगा देता हूँ ताकि जैसे ही वो बंदा बाहर निकले वो कंफ्यूज हो जाए कि मैं कहाँ छुपा हूँ। एक और लगा देता हूँ यहाँ पे, ओके। बट एक सेकेंड, मैंने उस बंदे को देख लिया है, अब मैं उसके ऊपर ग्रेनेड से धप्पा करूंगा ये सामने वाले घर पे। अरे ग्रेनेड तो मैंने सही फेंका था, फिर भी कैसे बच गया? उसका लक अच्छा था उस टाइम, बट अब नहीं बचेगा। ये लो 109 का डैमेज पड़ा, अभी इसे धप्पा कर देता हूँ। वेट वेट, मुझे सेप लेना पड़ेगा क्योंकि इसके पास शॉटगन है, बट फिर भी मैं ये काम कर सकता हूँ। यस मैंने कर दिखाया। यो फाइनली गाइस, भूया निकाल लिया हमने, मेरा तो गला सूख गया था, बट तुम्हारे भाई ने कर दिखाया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, मेरा रैंक अभी बहुत प्लस होने वाला है, आई थिंक 70 तो प्लस होना ही चाहिए। वाह 105 प्लस हुआ है, अमेजिंग। बाय द वे गेम प्ले पसंद आए तो नीचे लाइक कर देना, और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक भी कर देना। एंड आप लोग कमेंट करना कि आप भी रस्कर के गेम प्ले खेलते हो और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस गेम के ऊपर बनानी चाहिए, आप लोग सजेशन करना। तब तक के लिए बाय बाय।